बच्चों आज का पाठ है कैदी और कोकिला, और इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो कविता को पढ़ने से पहले हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का पिक्चर बना हुआ है और नीचे उनका जीवन परिचय दिया हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वह शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वह देशभक्ति एवं प्रखर पत्रकार देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है हिम क्रीडनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोक गूंजे धरा, ये जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कृतियाँ, कृतियाँ में क्या होता है, रचनाएं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, उसमें राष्ट्रीय भावना फूट फूट कर भरा हुआ है। राष्ट्रीय भावनाओं से वो ओतप्रोत हैं इनकी जो रचनाएं हैं, और उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। यानी इनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो भारतवासी थे, वो देश को आज़ाद कराने के लिए उनके अंदर चेतना थी, उत्साह था, वो उन सभी चीज़ों से संघर्ष करते थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर अत्याचार शोषण जो भी किया जाता था उसके प्रति वो संघर्ष करते थे। अब क्या करने के लिए, अपनी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और इसके साथ साथ उस देश की देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का भी त्याग किया। अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के ये क्रांति के आंदोलन में उतर पड़े थे। तो स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसीलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है, तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। वह एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता का परिचय हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकला कविता बहुत लोकप्रिय है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे तो मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगा कि यह जो कविता है उसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे, देश को आज़ाद कराने की जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, दृढ़ संकल्प बना लिया था, उनको अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, कितनी अन्यायपूर्ण कष्ट उन्हें दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थीं जिससे कि वो कमज़ोर पड़ जाएं और अपने इस संकल्प से वो पीछे हट जाएं। तो इस कविता में उनके साथ उनको बंद कर दिया जाता था, यदि वो देश को आज़ाद कराने के खिलाफ देश को आज़ाद करने के लिए जो आंदोलन छेड़ा जाता था उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, तो उनको क्या किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, या ऐसे समझते थे तो समझते थे, नहीं तो फिर उन्हें उठा करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता था।
और फिर जेल में डालने के बाद में उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था, उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। तो ये जो कविता है वो उसका मार्मिक साक्ष्य जो है प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, यानी कवि जेल में है और अकेला है और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है। ये जो कविता है वह संवाद शैली में लिखा गया है। कवि जो है वो कोयल को कभी अपना मित्र, कभी दोस्त, तो कभी उससे ईर्ष्या भी करता है और कभी वह उसे मानता है कि वह उसे युद्ध के लिए ललकार रही है। तो अनेक भावनाएं उसके मन में उठती हैं उसकी कूप को लेकर के। तो कोकिल से अपने मन का दुख व असंतोष उसके मन में है और ब्रितानी शासन यानी ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि कोई यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वह चीख उठी है। आधी रात को कोयल की आवाज़ उसके कानों में जब पड़ती है तो उसके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उठती हैं और उसकी आवाज़ को सुन करके वह उसके अनेक अर्थ निकालता है और उन सारी चीज़ों को जो है वह आगे कविता में व्यक्त किया गया है। कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेंगे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर आपसे शेयर कर रही हूँ। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे और देश को आज़ाद कराने के लिए वो विद्रोह करते थे और जब अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें मारा पीटा जाता था और तब भी वो नहीं मानते थे तो फिर क्या किया जाता था कि उनको जेल में बंद किया जाता। कौन सा देखिए जो जेल है सेलुलर जेल के इसी कमरे में वीर सावरकर को कैद रखा गया था। जब वो नहीं मानते थे तो उनको सेलुलर जेल में बंद कर दिया जाता था। सेलुलर जेल देखिए जैसा ये जो जेल है वो सेलुलर जेल है तो इस जेल में उन लोगों को बंद कर दिया जाता था। कई लोगों का नाम आता है जिनको इस जेल में बंद किया गया। उसमें प्रमुख हैं बटकेश्वर दत्त हैं, विनायक हैं, दामोदर हैं, दामोदर सावरकर, बाबू राम सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमद उल्ला, मौली अब्दुल रहीम शादीपुरी, मौलाना फजल एहक खैराबादी और चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वामनराव जोशी और गोपाल भाई परमानंद आदि लोगों को इसी जेल में बंद करके रखा गया था। ये देखिए जेल आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। ये जो है वो सेलुलर जेल है। ये जो सेलुलर जेल है ये मुख्य द्वार है और ये सेलुलर जेल का मुख्य द्वार है। और ये जो जेल कहाँ स्थित है तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है और जिसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर ये स्थित है, जिसके चारों तरफ क्या है पानी भरा हुआ है। ये जो जेल यहाँ पर स्थित है उसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। तो अंडमान निकोबार स्थित इस जेल का इस्तेमाल ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था और बहुत से लोग इसे साधारण भाषा में काला पानी के नाम से भी बुलाते थे। लेकिन आज ये जो जेल है वो एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है। तो ये जो जेल है इसमें नीचे देखेंगे कि इसमें 7 शाखाएँ थी, ठीक है, इसमें 7 शाखाएँ थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसकी 7 शाखाएँ थी। तो आज़ादी के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद अब सुनने में आता है कि 2 शाखाएँ और भी ध्वस्त हो गई हैं और बची 3 शाखाएँ बची हैं जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए पहले अंग्रेज के द्वारा कैदियों को ऐसे एक फ्रेम में बांध दिया जाता था और उनके हाथ पैर में देखिए कैदी को फ्रेम से बांधा गया है और उनके हाथ पैर पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाता था उसमें। और फिर इसके द्वारा देखिए इसके हाथ में एक कोड़ा है, उन पर कोड़ा बरसाया जाता था ताकि देश को स्वतंत्र कराने की उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है
वो समाप्त हो जाए या वो कमज़ोर पड़ जाएं और अपने पीछे हट जाएं, हार मान जाएं और देश पर हमारी सत्ता हमेशा बनी रहे। तो उन पर कोड़ा बरसाया जाता था। हर ऐसा शायद ही कोई कष्ट बचा होगा जो अंग्रेज़ों के द्वारा उनको दिया नहीं जाता, हर प्रकार का कष्ट उन्हें दिया जाता था। इस जेल का जो निर्माण था वो 1896 में शुरू हुआ। देखिए, इस अंग्रेज़ जो थे उन्हें इस जेल के निर्माण की आवश्यकता तब पड़ी जब 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद अंग्रेज़ को इस जेल का निर्माण करने उन्हें आवश्यकता पड़ी कि इस जेल का निर्माण करना चाहिए, और 1896 में इसका जो निर्माण शुरू हुआ और ये 1906 में बनकर पूरा हुआ। और इमारत के लिए ईंटें जो हैं वो बर्मा से लाई गई थी। जेल 7 हिस्सों में बटा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, और आज़ादी के बाद 2 खंड को ध्वस्त कर दिया गया था। 2 खंड अब और भी ध्वस्त हो गए, 3 हिस्से बचे हैं जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। सुनने में आता है कि अब वहाँ पर हॉस्पिटल बन गया है। और यहाँ पे देखिए कैदियों को किस प्रकार से लोहे की जंजीरों में बांध करके रखा जाता था। देखिए जैसे यहाँ पर 3 कैदी खड़े हुए हैं और उनको लोहे की जंजीरों से बांध करके रखा गया, उनके हाथ को उनके पैर को जकड़ के रखा गया है। तो ऐसे ही लोहे की जंजीरों में उनको बांध दिया जाता था। और कैदियों से नारियल का तेल निकालने जैसे काम करवाए जाते थे। जैसे कोल्हू होता है ना, कोल्हू में क्या किया जाता है, सरसों का दाना डाल करके हम तेल निकालते हैं उसमें से, और नारियल और भी हार्ड होता है। तो जहाँ जैसे कोल्हू कौन चलाता है, उसमें लकड़ी के द्वारा जो है कोल्हू से एक लकड़ी फंसी होती है और उस लकड़ी से हम फिर एक बैल को बांध देते हैं और बैल जो है चारों तरफ कोल्हू की घूमता रहता है और वो मतलब ऑयल उसका जो है निकलता रहता है। तो उस समय बैल के स्थान पर इनको ये काम दिया जाता था, उन कैदियों को काम दिया जाता था जो विद्रोह करते थे, आंदोलन करते थे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो उनको क्या किया जाता था कि उस कोल्हू की लकड़ी से उनको बांध दिया जाता था, उनसे कठिन श्रम लिया जाता था, बहुत सुबह से शाम तक उनसे परिश्रम करवाया जाता था जिससे वो थककर चूर हो जाएं और फिर पीछे हट जाएं। तो यहाँ तक कि उन्हें बाथरूम जाने के लिए भी इजाज़त लेनी होती थी। तो इस प्रकार से उनके साथ जेल में व्यवहार होता था। और ये जो कविता लिखी गई है वो स्वतंत्रता से पहले की कविता है, उस समय लिखी गई है, उस समय की परिस्थितियों को देख करके लिखी गई है। और ये कविता है इन सारी चीज़ों को बयां करती है। आगे हम लोग कविता को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कविता कैदी और कोकिला। कैदी जो है वो कोकिला से संवाद करता है, संवाद शैली में बातचीत होती है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। कवि जो है वो जेल में क्या है, कैद है, अकेला है, उदास है, उसके मन में आक्रोश है अंग्रेज़ों के प्रति, दुख है, उसे दुख है कि मतलब हमें कैद करके रख दिया गया है और हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उसे कष्ट भी है, दुख भी है। और वह जब आधी रात को कोयल की आवाज़ को सुनता है तो वह कोयल से पूछ बैठता है कि हे कोयल, इस आधी रात में तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो, इस आधी रात को तुम क्या गा रही हो और क्यों बीच बीच में चुप हो जाती हो, क्यों रह रह जाती हो, यानी कि बीच में बोलती हो फिर चुप हो जाती हो, थोड़ी देर बाद फिर बोलती हो फिर चुप हो जाती हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गाती हो तुम, कहीं ऐसा नहीं कि तुम अंग्रेज़ों से डर गई हो इसलिए चिल्ला रही हो, या बोलने से तुम्हारी शक्ति खर्च हो जाती है फिर उस शक्ति को इकट्ठा करके फिर से वापस बोलती, इसलिए क्या चुप चुप हो करके यानी रह रह करके तुम बोल रही हो, बताओ तो कोयल क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। हे कोयल ये बताओ, क्या तुम भारतवासियों का संदेशा लेकर आई हो हमारे पास में, बताओ कोयल क्या गाती हो। आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे, ऊंची काली दीवारों पर
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। आगे कवि कहता है, जहाँ पर उसको बंद करके रखा गया है, वो जो जेल है, वो जो कमरा है जिसमें उसको बंद करके रखा गया है, उसकी दीवारें जो हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं, ऊंची हैं। दीवारें कैसी हैं? बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और काली दीवारें कहा गया है। काली दीवार इसलिए कहा गया है कि जहाँ पर उसको बंद करके रखा गया था, वो जो जगह थी बहुत ही कम थी, और इसके साथ साथ में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा विंडो लगा रहता था, बाकी चारों तरफ से कमरा बंद ही रहता था, तो हमेशा उसमें अंधेरा बना रहता था, अंधेरा रहता था, जिससे कि जो दीवारें हैं वो भी काली काली नज़र आती थी। तो वही कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी जिसकी दीवारें ऊंची ऊंची हैं और काले काले हैं, चारों तरफ अंधकार है, उस दीवारों के घेरों में हमें बंद करके रखा गया है। और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू भी एक अपराधी होते हैं, चोर भी अपराधी होते हैं, और बटमार, बटमार मतलब होता है कि जो राह चलते लोगों को लूटते हैं, जो राहगीर को लूटते हैं, उन्हें बटमार कहा जाता है। तो कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं एक जो है राजनीतिक कैदी हूँ, लेकिन मुझे इन सामाजिक कैदियों के साथ में बंद करके रखा गया है। यानी कि जहाँ पर ये जो डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, ये क्या है, ये सामाजिक अपराधी हैं, और इन्हीं के साथ में हमें भी रख दिया गया है, हमें भी बंद कर दिया गया। यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम राजनीतिक कैदी हैं, हमको इनसे थोड़ा अलग रखना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, हमें इन्हीं सामाजिक अपराधियों के साथ में हमें भी उस जेल में बंद करके रख दिया गया है। और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, फिर वो अपने दैनिक उस जेल के दैनिक जीवन का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ जो अंग्रेज हैं हमें बंद करके किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी कि जो भोजन भी हम लोग को उस जेल में मिलता है वो खाने भर का नहीं होता है, उससे हम लोग का पेट नहीं भरता, इतना कम भोजन रहता है। तो और मरने भी नहीं देते, सिर्फ हम लोग तड़पते रहते हैं इस जेल में बंद होकर के, हम लोग तड़पते रहते हैं, वो पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। यानी कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो हालत है, वो अधमरी सी है, वो अधमरी से है, हम मर भी नहीं पाते हैं और जी भी नहीं पाते, सिर्फ तड़पते रहते हैं। और जीवन पर अब दिन रात, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और दिन रात 2400 घंटे इस जेल के बाहर जो है वो प्रहरी खड़े रहते हैं और पहरा देते रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी कि ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिशों का जो शासन है, अंग्रेजों के द्वारा जो हम पर शासन किया जाता है, और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से हम लोगों से काम लिया जाता है, उन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम, तम मीन्स क्या होता है? अंधकार। तम मीन्स क्या होता है? अंधकार। तो वो कहते, कवि कहते हैं कि ये शासन है या अंग्रेजों का शासन है या तम का प्रभाव है, अंधकार का प्रभाव है। अब जो तम है किसका प्रतीक होता है? जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ पर अन्याय ही होता है। जैसे एक चैप्टर आपने सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, जैसी नगरी वैसे वहाँ पे अन्याय भी होता था। तो तम जो है वो पाप का प्रतीक है और अन्याय का प्रतीक है, कि जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर अन्याय होता है, वहाँ पर पाप होता है, चोरी लूट डाकू मतलब डकैती करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, भ्रष्टाचार। तो जहाँ पर अंधकार होता है वो वहाँ पर सारी चीज़ें चीज़ फैली होती हैं। तो वही वो कहते हैं कि ये उन लोगों अंग्रेजों का शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, और जिसके माध्यम से जिसमें समाहित होकर के या जिसके प्रभाव में आ करके, उस अंधकार के प्रभाव में आ करके वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और हिमकर निराश कर चली रात भी काली, आगे कवि कहता है कि हिमकर, हिमकर मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। हिमकर मीन्स होता है चंद्रमा, हिमकर मीन्स चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा जो है, यानी धीरे धीरे जो रात है वो बीत रही है, और थोड़ा बहुत जो चंद्रमा की रोशनी जो थोड़ी बहुत आ रही थी वह भी अब समाप्त हो रही है,
और मैं काफ़ी निराश हो रहा हूँ। अब वो मुझे निराश करके चंद्रमा भी जो है निराश कर मुझे चंद्रमा भी अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और रात भी काली और काली रात भी धीरे धीरे जा रही है। और इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली 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 मीन्स क्या होता है सखी। वह कोयल को अपनी सखी मानता हूँ, कहता है हे सखी चंद्रमा भी हमें निराश करके जा रहा है, काली रात भी बीतने को है वो भी जा रही है और इस समय आधी रात में कालिमा मई मतलब बिल्कुल कालिमा से युक्त सर्वांगी काली कोयल तुम क्यों जग रही हो, क्यों बोल रही हो, क्या सुना रही हो, किसका संदेशा लेकर आई हो। अब आगे की पंक्तियों को देखेंगे, क्यों फूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों फूक पड़ी, फूक मतलब क्या होता है, फूकना आवाज़ करना बोलना दर्द से कराहना। तो कवि कहता है कि क्यों फूक पड़ी यानी कि जब तुम फूकती हो तो तुम्हारी आवाज़ में मुझे दर्द का स्वर नज़र आता है। तो वही वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी आवाज़ में ये दर्द क्यों है, तुम्हारी आवाज़ को सुन करके ऐसा लगता है कि वेदना बोझ वाली सी तुम्हारे मन पे वेदना मीन्स क्या होता है कष्ट या दुख। तो जब मैं तुम्हारी भूख को सुनता हूँ तुम ये बोलती हो आधी रात को तो उस आवाज़ में मुझे एक दर्द सुनाई पड़ता है, दर्द का स्वर नज़र आता है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन पे कोई दुख का बोझ है, तुम्हारे मन में कोई दुख का बोझ है जो तुम कूक करके कह रही हो बता रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ क्या लूटा यानी कि क्या तुम्हारा कुछ हो गया है, क्या कुछ लूट गया है जो इतना घबराई सी परेशान थी दुखी होकर के तुम आधी रात को बोल रही हो, बताओ कोयल क्या बात है। फिर आगे वो कहते हैं कि रखवाली सी कोकिल बोलो तो, देखिए रखवाली सी से पहले एक लाइन है जो यहाँ पे छूट गया है, तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव, मृदुल मतलब क्या होता है कोमल, वो कोयल को कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी से पहले एक पंक्ति है मृदुल वैभव की, और मृदुल मतलब होता है मीठी और वैभव मीन्स क्या होता है संपदा। तो वह कोयल से कहते हैं तुम तो मीठी वाणी संपदा की रक्षा करने वाली हो क्योंकि तुम तो मीठा बोलने वाली हो। जब भी कभी मीठी वाणी का उदाहरण दिया जाता है तो सबसे पहले कोयल का नाम दिया जाता है कि कोयल बहुत ही मीठा बोलती है, बहुत ही मीठा कूकती है। तो हे कोयल तुम तो मधुर वाणी रूपी संपदा की रखवाली करने वाली हो, वो संपदा तो खुद तुम्हारे अंदर विराजमान है। फिर कोकिल बोलो तो क्या बात है कोयल, फिर क्यों है आधी रात को तुम जग रही हो और चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो, क्या हुई बाउली। फिर आगे कवि कहते हैं कि क्या हुई बाउली यानी क्या तुम पागल हो गई हो, क्या जीती आधी रात को बोल रही हो, क्या हुई बाउली अर्धरात्रि को चीखी और कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। कोकिल बोलो तो फिर कभी कहता है कि हे कोयल जब वो सब सारा संसार सो रहा होता है और आधी रात को जब कोयल बोल रही होती है तो वह कोयल से कहता है कि हे कोयल तुम चीख रही हो चिल्ला रही हो ये कोई सामान्य सी बात तो है नहीं, आधी रात में कोई साधारण इंसान तो चिल्लाएगा नहीं, जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी होती है फिर वह चिल्लाता है शोर मचाता है और सबको जगाता है। तो ठीक उसी प्रकार से तुम भी हो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या हुई बाउली, बाउली मतलब क्या होता है पगली, तो क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चिल्ला रही हो, अर्ध रात को चीखी यानी आधी रात को तुम चिल्ला रही हो, बताओ कोयल, कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, ज्वालाएं मीन्स क्या होता है लपटे और दावा नल मीन्स क्या होता है जंगल में लगने वाली आग, जब जंगल में आग लगती है तो उसे क्या कहते हैं दावा नल कहते हैं। तो वह जो है कवि जो है कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी जंगल में आग लग गया हो और तुम उस आग को देख करके डर गई हो इसलिए आधी रात को चिल्ला रही हो,
तो वह कहता है कि हे कोयल, क्या कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी जंगल में आग लगा हुआ देख लिया है और मारे डर के उसकी लपटों को तुमने देख लिया, हमारे डर के तुम चिल्ला रही हो, कहीं ये कारण तो नहीं है? बताओ कोयल, क्यों इतना चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो आधी रात को? अब आगे की पंक्ति, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। फिर कवि कहता है वह उसकी कूक को, उसकी कूक को जो सुनता है तो उसके कई अर्थ निकालता है। तो कभी उसे लगता है कि उसने जंगल में लगे हुए आपको देख लिया है और इस वजह से वह चिल्ला रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कुछ खो गया है इसलिए चिल्ला रही है, ऐसा तो नहीं कहीं ये पागल हो गई है इसलिए चिल्ला रही है। तो बहुत सारे अर्थों को वह निकालता रहता है। और फिर आगे की पंक्तियों को देखेंगे कि क्यों, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे हाथ में जंजीर पहनाई गई है, जिन बेड़ियों से हमें जकड़ रखा गया है और कैद कर रखा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको देख करके ये चिल्ला रही है। तो वह उससे कहता है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ये जो जंजीरों का गहना हमने पहन रखा है, जो अंग्रेज शासकों के द्वारा हमारे हाथों और पैरों में हमारे सम्मान के लिए पहनाया गया है, क्या तुम उसे देख नहीं सकती हो? हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ क्यों हैं भाई, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना है, ये ब्रिटिश शासकों के द्वारा हमारे सम्मान में पहनाया गया क्या है, आभूषण है, उससे हमें अलंकृत किया गया है, उससे हमें सम्मानित किया गया है। यानी देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कैदी है या जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो इस बात का समर्थन करते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा हमें, हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जाता है या जो भी हमें यातनाएं दी जाती हैं, हम उन सभी को, या जो भी काम हमसे लिया जाता है, बहुत कठिन कार्यों को हमसे करवाया जाता है, उन सारी चीज़ों को हम प्रसन्नतापूर्वक झेल रहे हैं या उसको कर रहे हैं, और उससे हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि भले मैं इस चीज़ को सह रहा हूँ और कल को मैं देश को आज़ाद करा सकूँगा, कल मेरा देश जो है वो स्वतंत्र होगा और उसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वह हंस करके सारी चीज़ों को झेल रहे हैं, वह उन देड़ियों को, उन जंजीरों को अपना सम्मान मानते हैं कि इनके द्वारा अंग्रेज शासकों के द्वारा इन्हें पहना करके हमारा सम्मान किया जा रहा है। किस बात के लिए सम्मान किया जा रहा है कि देखो किस प्रकार से ये अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इनके अंदर कितनी देशभक्ति भावना भरी पड़ी, कितना देश प्रेम है, और उसको स्वतंत्र कराने के लिए ये अपने प्राणों को भी अपने हथेली पे लेकर के घूम रहे हैं और सारे कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सह रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि जो है बता रहा है कि किस प्रकार उन्हें उस जेल में दिन भर किस तरीके से उनसे काम लिया जाता था, तो उस सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि कोल्हू का चरकचू जीवन की तान। उन कैदियों से, जैसा पहले ही कविता को पढ़ाने से पहले ही बता दिए थे कि कोल्हू, उनसे तेल निकलवाया जाता था, कभी नारियल का तेल तो कभी सरसों का तेल, और जो तेल निकालने का काम किसका होता था, बैलों को बांध दिया जाता था और वो ऐसे चारों तरफ कोल्हू के घूमते रहते थे और फिर उससे तेल जो है वो पिटता रहता था। लेकिन वहाँ पर जानवरों को ना बांध कर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था, कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता, तो उनको जानवरों की तरह उस कोल्हू की लकड़ी में बांध दिया जाता था और उन्हें सारा दिन चक्कर लगाना पड़ता था और तेल निकालना पड़ता था, कठिन मेहनत करके उससे तेल निकालना पड़ता था। तो वही कवि कह रहा है कि कोल्हू का चरकचू, जब कोल्हू चलता है तो उससे चरकचू की आवाज़ आती है, तो वही कवि कहता है कि कोल्हू की जो चरकचू है वो उनके जीवन की तान बन गई थी, कैदियों के जीवन की तान बन गई थी। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी, उनसे क्या किया जाता था, उनसे कोल्हू चलवाया जाता था, उसके साथ साथ उनसे पत्थर तुड़वाया जाता था,
और पत्थर तोड़ करके जो होता था गिट्टियों का निर्माण होता, छोटी छोटी गिट्टियाँ में जो पत्थर होते थे वो तोड़ने के बाद में छोटी छोटी गिट्टियों में बदल जाते थे, तो उनसे पत्थर को तोड़वाया जाता था। और उन पत्थरों को तोड़ते तोड़ते क्या होता था, उनकी उंगलियों के निशान उन गिट्टियों पर पड़ जाते थे, यानी यहाँ तक कि कभी कभी उनके हाथों से ब्लड भी निकल जाता था, हाथ कट पिट जाते थे, और उसका निशान जो है उन गिट्टियों पर पड़ जाता था, और उनको देख करके ऐसा लगता था कि उन गिट्टियों पर कोई गीत लिखा गया है। तो कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू की जो चरक चू थी वो उनके जीवन की तान बन चुकी थी, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन की तान बन चुकी थी, और जो उनसे पत्थर तुड़वाया जाता था और गिट्टियों पर उनकी उंगलियों के जो निशान पड़ते थे उसको देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई गीत लिख दिया गया हो। आगे कभी कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ जुआ मिस क्या होता है, जुआ देखिए होता है जो बैल के कंधे पर जो लकड़ी बंधी होती है उसे जुआ कहते हैं, ठीक है, उसमें बैलगाड़ी बंधी होती है जिसके माध्यम से गाड़ी को खींची जाती है। दो बैलों के कंधे पर वो लकड़ी रख दी जाती है और जिसे जुआ बोला जाता है, और फिर उससे गाड़ी को फंसा करके गाड़ी खींची जाती है। और मोट एक चमड़े का थैला होता है, बहुत बड़ा थैला होता है जिससे पानी निकाला जाता है। तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पहले सिंचाई अब तो बहुत नहीं दिखते हैं, इक्का दुक्का कहीं पे होंगे तो होंगे। तो मोट जो है वो चमड़े का थैला होता है, जैसे मटका गगरी होती है, बाल्टी होता है जिससे हम पानी भरते हैं और बाहर लाते हैं, उसी प्रकार से मोट भी जो है वो चमड़े का थैला होता है जिसके द्वारा कुएं से पानी खींचा जाता था और खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो कवि बताता है, और ये काम भी जो है वो जानवरों के द्वारा किया जाता था, तो यहाँ भी उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। वो जो मोट होता था उससे एक रस्सी बंधी होती थी और फिर एक दो लकड़ी गड़ी होती थी, उसके बीच में लोहे का पहिया होता था, और उस लोहे के पहिया से होते हुए वो रस्सी जाती थी और फिर एक लकड़ी से बांध दी जाती थी, और उस लकड़ी को बेल के कंधों पर बांध जाता था और इस प्रकार से पानी खींचा जाता था, खेतों की सिंचाई की जाती थी। और यहाँ पर क्या किया गया है कि उस लकड़ी को यानी कि उस जुआ को कैदियों के पेट में बांध दिया जाता था, जुआ को कैदियों के पेट में बांध दिया जाता था और फिर पानी को खींचा जाता था, मोट के माध्यम से पानी को खींचा जाता था और उनसे खेतों का काम भी लिया जाता था, कि इतना कठिन मेहनत उनसे करवाया जाता था। आगे कवि कहता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी वो कहता है कि मैं अपनी पेट पर जुआ बांध करके और मोट के माध्यम से पानी खींच रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ब्रिटिश अकड़ यानी कि जो अंग्रेजों के अंदर जो घमंड है उस घमंड रूपी कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। उनके अंदर जो अकड़ है, जो घमंड है कि इस तरीके से यातनाएं दे करके और इस तरीके से इनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करके हम इन्हें परास्त कर देंगे, हम इन्हें कमज़ोर बना देंगे ताकि ये अपने कर्तव्य पथ से जो है वो हट जाएं, अपनी संकल्प से ये हट जाएं, तो ऐसा हम लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को खुशी खुशी झेलते हुए और अपना काम स्वाभाविक तरीके से पर्डे जैसे जिस तरीके से काम यहाँ पर बताया गया है पर्डे उस काम को करते थे, और किसी प्रकार का कोई सिकन का भाव, किसी दुख का भाव वो अपने चेहरे पर नहीं लाते थे, जिससे कि अंग्रेज को जरा भी ना लगे कि ये कमज़ोर पड़ गए हैं, वो कमज़ोर थे भी नहीं। तो स्वाभाविक ढंग से बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल सहज ढंग से वो सारे कार्यों को करते थे और प्रसन्नतापूर्वक रहते थे कि ऐसा कभी भी अंग्रेज को ना लगे कि हम भारतवासी जो हैं वो कमज़ोर हैं, और हम इस तरीके से अगर वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हमें कष्ट देंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे, हम पर कोड़े बरसाएंगे, तो हम थक जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे और हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सहते हुए, इन सारे कार्यों को करते हुए जो उनके द्वारा हमसे करवाए जाते हैं, ये सब करते हुए मैं उनके यानी ब्रिटिश अकड़ रूपी जो कुआं है उनके अंदर का जो घमंड है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ कि वो इस देश को छोड़ करके चले जाएं, वो पीछे हट जाएं कि हम कमज़ोर नहीं बल्कि वो कमज़ोर हैं।
तो खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ये सब करते हुए मैं अंग्रेज शासकों के घमंड रूपी कुएं को मैं खाली करता हूँ, उनके अकड़ को निकाल रहा हूँ, उनके घमंड को निकाल रहा हूँ कि मैं कमज़ोर पड़ने वाला नहीं हूँ, तुम कमज़ोर हो सकते हो और मैं कमज़ोर कभी नहीं हो सकता, वो भी अपने देश को लेकर के बिल्कुल भी नहीं। फिर आगे कवि कहता है कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, यानी कवि कहता है कि तुम दिन में करुणा, करुणा मीन्स क्या होता है, दया, तुम दिन में इसलिए नहीं बोलती हो कि तुम्हारी आवाज़ को सुन करके मेरे अंदर दया की भावना जगेगी, करुणा जगेगी, और यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज़ को सुन करके और उसमें दर्द जो है वो अगर मुझे सुनाई पड़ेगा तो उससे मैं रो भी पड़ूंगा। तो दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, यहाँ तक तुम्हारी आवाज़ को सुन करके, उस कराह को सुन करके, उसमें विद्रोह का स्वर नज़र आता है, उसमें दर्द का स्वर नज़र आता है और उसमें ललकार का स्वर नज़र आता है, उन सारी चीज़ों को सुन करके मैं शायद रो पड़ूँ, रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तुम रात में आ करके, आली आली मीन्स क्या होता है सखी, इसलिए हे सखी तुम रात में आ करके गजब ढा रही हो, यानी कि आधी रात को चिल्ला रही हो कि दिन में कोई जान ना पाए, नहीं तो मेरे अंदर करुणा जग जाएगी और यहाँ तक कि मैं रो पड़ूंगा, यानी कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए तुम आधी रात को, यानी कि जब पूरा संसार सो रहा है इस शांतमय वातावरण में आकर के तुम चिल्ला रही हो और मुझे अपने कूक से, अपनी आवाज़ से ढांढस दिला रही हो, दिलासा दिला रही हो कि हाँ तुमने जो ठाना है उसमें तुम सफल होगे, इस प्रकार से अपनी कूक से तुम मुझे दिलासा दे रही हो, इसीलिए रात में गजब ढा रही हो आली, इसीलिए हे सखी तुम रात में चिल्ला रही हो, आधी रात को तुम गजब ढा रही हो। अब आगे की पंक्ति को देखेंगे, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप, मधुर विद्रोह बीच इस भात बो रही हो क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर आगे कभी कहता इस शांत समय में, यानी इस आधी रात में अंधकार को वेद, वेद मिस क्या होता है चीरना, वेद मिस क्या होता है चीरना, तो इस शांतमय वातावरण में इस आधी रात में हे कोयल तुम अंधकार को चीर करके क्यों रो रही हो, उसकी आवाज़ को सुन करके कभी को ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है, चिल्ला रही है, उसे दुख है, किसी बात का कष्ट है, तो वह कहता है कि इस अंधकार को चीर करके हे कोयल तुम क्यों रो रही हो, कोयल बताओ चुपचाप, मधुर विद्रोह बीच इस भात, इस प्रकार से, इस भाति मतलब इस प्रकार से मेरे अंदर क्यों बो रही हो, यानी कि तुम चुपचाप और मधुर विद्रोह रूपी बोझ बीज को तुम मेरे अंदर क्यों बो रही हो, यानी अपने आवाज़ के माध्यम से तुम मेरे अंदर विद्रोह, मधुर विद्रोह रूपी बीज को बो रही हो ताकि मैं अंग्रेज शासकों के प्रति जो है वो विद्रोह करूं और अपनी देश की आज़ादी को प्राप्त करूं। तो इस प्रकार से चुपचाप मधुर विद्रोह रूपी बीज को मेरे अंदर क्यों, मेरे हृदय में क्यों बो रही हो, यानी कि मुझे युद्ध के लिए, मुझे विद्रोह के लिए, मुझे क्रांति के लिए क्यों ललकार रही हो, बताओ कोयल ऐसा क्यों कर रही हो। आगे कभी कोयल पर व्यंग करता है और कहता है कि काली तू रजनी भी काली, यानी कोयल कैसी है काली, वह कहता है काहे कोयल काली तू भी काली है और रजनी भी काली है, रजनी मीन्स क्या होता है रात, यानी तू भी काली हो और यह रात भी काली है, जिस रात में तुम बोल रही हो वो भी काली है, और शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेज ब्रिटिश शासकों के द्वारा ये जो हुकूमत की जा रही है, जो शासन की जा रही है, वह भी उसकी करतूतें भी कैसी हैं काली हैं, उसकी करतूतें भी न्यायपूर्ण नहीं है, अच्छा व्यवहार उनका नहीं है, उनकी सारी करतूतें भी कैसी हैं, उनका सारा शासन कैसा है वो भी काली है, और काली लहर कल्पना काली, काली लहर कल्पना काली, यानी कि जो बवंडर उठ रहे हैं काले काले, जो लहरें उठ रही हैं उन्होंने काली लहर, ये जो लहरें उठ रही हैं काले काले, जो बवंडर उठ रहे हैं उन्होंने कल्पना लोक को भी क्या कर दिया है काला, कल्पना काली, उन्होंने कल्पना लोक को भी क्या बना दिया है काला बना दिया है,
और मेरी काल कोठरी काली, और मेरी काल कोठरी यानी कि ये जो कोठरी है जिस पर मुझे बंद, जिसमें मुझे बंद किया गया है। अब काल कोठरी क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब सेलुलर जेल में बंद किया जाता था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, तो उनको जन समाज से एकदम अलग कर दिया जाता था, और ये जो जेल था वो भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर पर स्थित था, और ऐसे में फिर इन कैदियों की मुलाकात फिर दोबारा अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार से नहीं हो पाती थी, और फिर ऐसा माना जाता था कि हाँ अब पूरा जीवन वो वहीं पर बिताएंगे, वहीं से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए इसे काल कोठरी कहा गया है, यानी मृत्यु की कोठरी, जहाँ पर रहते रहते जिसकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए इसे काला पानी भी लोग कहते हैं, काला पानी उतारना कि वहीं पर जा कर के फिर वो वापस नहीं आ पाएगा, वहीं से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही कवि कहता है कि मेरी काल कोठरी काली, और मेरी ये जो काल कोठरी है जिसमें मुझे बंद करके रखा गया है, वह भी कैसा है, वह भी काला है। अब काला क्यों है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि हाँ उसकी जो दीवारें थी ऊँची ऊँची दीवारें थी, और 3 मीटर की ऊंचाई पे कहीं एक छोटा सा विंडो लगा रहता था और बाकी चारों तरफ अंधेरा ही रहता था, तो दीवारें भी काली काली नज़र आती थी, और जगह भी जो था बहुत कम था, इसलिए उसे काल कोठरी कहा गया है, वह भी काली है। आगे कवि जो है कहता है कि टोपी काली कमली काली, टोपी भी मेरी जो टोपी है वो भी काली है, मेरा जो कंबल है वह भी काला है। और आगे फिर कहते हैं कि मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरी लोह, लोह मतलब क्या होता है, लोहा, और श्रृंखला मतलब जंजीर, यानी लोहे की जंजीरों को जो उनके हाथों और पैरों में पहनाया गया था उसका रंग भी कैसा है, वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरी जो लोहे की जंजीरें हैं जो मेरे हाथों और पैरों में पहनाया गया वह भी काला है। और पहाड़े की हुंकृति की ब्याली, और किस पर है गाली आली, यानी कि पहरा, पहरा मतलब क्या, जो प्रहरी जो पहरा दे रहे थे दिन रात जो उनके जीवन पर कठिन जो पहरा था, वो भी हुंकृति, हुंकृति मतलब होता है हुंकार, और ब्याली मतलब होता है, हुंकृति मतलब होता है हुंकार, और ब्याली मतलब क्या होता है, सरपड़ी, ठीक है। ब्याली मतलब, ब्याली का मीनिंग क्या हो जाएगा, सरपड़ी। तो यानी कि ये जो प्रहरी हैं जो पहरा दे रहे हैं, ये जो प्रहरी हैं जो पहरा दे रहे हैं, किस पर है यानी कि उस पर, किस पर मतलब उस पर, गाली अपशब्द, गाली में क्या होता है अपशब्द, और ए आली यानी कि उस कोयल को संबोधित कर रहे हैं कवि, ए आली यानी कि हे सखी, ए आली हे सखी, हे सखी इस अंधेरे में, इस अंधेरे में काली सरपड़ी के फुफकार जैसी, जैसे काली सरपड़ी होती है ना उसकी फुफकार होती है, काली सरपड़ी फुफकार मारती है ना, सरपड़ी जो होती है या सांप जो होता है फुफकार मारता है, तो जैसे काली सरपड़ी की फुफकार जैसी पहरेदारों की जो हुंकार है, उनकी जो आवाज़ है, अरे क्या कर रहे हो, चुपचाप पड़े रहो, इस तरीके से जो उनकी हुंकार, जो उनकी आवाज़ है, यानी कि बिना पूछे, जैसे बताया गया बिना पूछे वो बाथरूम भी नहीं जाते थे, और उनके जीवन पर दिन रात कठोर पहरा रहता था, और अपने हिसाब से वो ना तो रह पाते थे, ना जी पाते थे, ना निकल पाते थे, ना सोच पाते थे, तो सारी चीज़ों पर पहरा लगा रखे थे। तो जो पहरेदार थे, तो उन पहरेदारों को क्या कहा गया है कि ये जो पहरेदार है इस अंधेरे में, इस काल कोठरी में काली सरपड़ी के फुफकार जैसी, पहरेदारों की जो हुंकार है, पहरेदारों की हुंकार, पहरेदारों की हुंकार मुझे गाली की तरह लगती है। काली सरपड़ी की फुफकार जैसी पहरेदारों की जो हुंकार है, पहरेदारों की हुंकार कैसी है, काली सरपड़ी की फुफकार जैसी, तो पहरेदारों की जो हुंकार है जो कि काली सरपड़ी की फुफकार जैसी है, वह मुझे गाली जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि उनकी फुफकार, उनकी आवाज़ मेरा अपमान कर रहा हो, मुझे गाली जैसा लगता है। हे सखी, उनकी उनका जो पहरा है, पहरेदारों की जो हुंकार है वो गाली जैसी प्रतीत होती, अपशब्द जैसी प्रतीत होती। अब उन्हें अपशब्द क्यों लगता, अपमान क्यों लगता है,
क्योंकि ये जो हुंकार है उनकी जो आवाज़ है उन्हें वो याद दिलाते हैं कि वो यहाँ पर कैद हैं और उनका उनके देश में ही अपमान हो रहा है। उन्होंने उनके देश को अपने कब्जे में ले लिया है और अपने ही देश में उनका अपमान हो रहा है, इसलिए उनका ये जो हुंकार है वो उन्हें गाली के समान प्रतीत होता है। आगे कभी कहता है अब उसे वहाँ पर कैद होना और पहरेदारों की हुंकार वो गाली जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वो अपने ही देश में गुलामी का जीवन जी रहे हैं, बंधक बने हुए हैं और स्वतंत्र पूर्वक ना जी पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो उनका जो पहरा है वो एक गाली के समान लगता है, अपमानजनक लगता है। अगली पंक्तियों को देखेंगे, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती मतलब क्या होता है, मदहोशी या मदमाती, यानी वो कोयल को कह रहे हैं कि हे कोयल इस काले संकट रूपी सागर पर तुम मदहोशी में मरने के लिए आ गई हो, क्या तुम मरने की इच्छुक हो, मरने के लिए उतारू हो? क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जाना यानी कि मौत के मुंह में जाना है, मौत को बुलावा देना है, मौत को दावत देना है। तो वो कवि जो है वो कोयल से कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती जब वो आधी रात को बोलती है तो कवि कहता है कि क्या तुम मरने को उतारू हो, मरना चाहती हो, कोई जहाँ पर आ गई हो इस काले संकट रूपी सागर पर, मदहोशी में तुम इस काले संकट रूपी सागर पर मरने के लिए आ गई हो, क्या तुम मरने की इच्छुक हो? क्योंकि यहाँ पर आना अपनी मौत को दावत देना है, अंग्रेज के नजरों में तुम आ गई तो तुम बचोगी नहीं, वो तुम्हें मार गिराएंगे। बताओ कोयल अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम क्यों आई हो यहाँ पर, क्या चाहती हो और अपने चमकीले गीतों को इस मुसीबत रूपी सागर पर क्यों तैरा रही हो, यानी यहाँ पर क्यों कूक रही हो, अपने चमकीले गीतों को तुम इस मुसीबत रूपी सागर पर क्यों तैरा रही हो, यानी कि इस ऐसी जगह पर क्यों आ गई हो जो विषम है, जो कठिनाइयों से भरा पड़ा है, जो दुखों से भरा पड़ा है, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, तो ऐसी जगह पर तुम क्यों आई हो, बताओ कोयल। अब आगे कवि जो है वो थोड़ा सा कोयल से ईर्ष्या करते हुए बात कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा कोयल के प्रति ईर्ष्या जगी है और वह कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली और मुझे नसीब कोठरी काली। वह कोयल से कहता है तुम्हारे और मेरे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। तुझे मिली हरियाली डाली, डाली मतलब क्या होता है, शाखा। तो यानी तुम जो हो पेड़ पे स्वतंत्र रूप से उसकी शाखा पर बैठी हुई हो, तुम्हें वो हरियाली डाली, तुम्हें वो हरियाली शाखा प्राप्त हुई है और तुम्हारा निवास वहाँ पर है, तुम वहाँ पर रह रही हो। और मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में ये काल कोठरी है, मेरे किस्मत में ये जो काल कोठरी है, मुझे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। फिर आगे वो कहते हैं कि तेरा नभ भर में संचार, नभ मीन्स क्या होता, आकाश, और संचार मतलब क्या होता है, बिछड़ करना, घूमना। वह कहता है कि हे कोयल तुम्हारे और मेरे जीवन की क्या तुलना, तुम्हें हरियाली डाली मिली है रहने को और मुझे इस काल कोठरी में बंद कर दिया गया, मेरी किस्मत देखो और अपनी किस्मत, मेरी किस्मत और अपनी किस्मत की तुलना एक दूसरे से मत करो कि तुम्हारी किस्मत बिल्कुल अलग है, मेरी किस्मत बिल्कुल अलग है। तेरा नभ भर में संचार और मेरा दस फुट का संसार, कहता है कवि कि नभ भर में संचार यानी कि तुम स्वतंत्र हो और मैं बर्तन हूँ, मैं गुलाम हूँ, तुम आज़ाद हो, तुम पूरे आकाश में विचरण करती हो, यानी तुम कहीं भी स्वच्छंद रूप से उड़ सकती हो, पूरे संसार में तुम उड़ सकती हो, घूम सकती हो, विचरण कर सकती हो। वही वो कहता है कि तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आकाश में संचार कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ से निकल कर कहीं नहीं जा सकता और मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो संसार यही जेल है और वो भी बहुत संकुचित है, बहुत ही छोटा है, जो सिर्फ 10 फुट का है। और तेरे गीत कहावे वाह और रोना भी है मुझे गुनाह,
आगे वो कवि कहता है कि तेरे गीत, यानी जब तुम कूकती हो, जब तुम कू कू की आवाज़ करती हो तो कहावे वाह, लोग कहते हैं वाह कोयल कूक रही है, उस आवाज़ को लोग सुनना पसंद करते हैं और तुम्हारी आवाज़ को सुन करके वो उसमें खो जाते हैं, उस चीज़ को दोहराते हैं जब तुम कूकती हो। फिर बच्चे बूढ़े जवान सब तुम्हारी आवाज़ को पसंद करते हैं, सब उसे दोहराते हैं, उसे कूकते हैं और तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। जैसे कहते नहीं दोहा है कि कोयल काको देत है और कागा का हर लेत और मीठे वचन सुनाई के जग अपनो कर लेत। कोयल किसको क्या दे दे देती है और कौवा किसका क्या छीन लेता है, लेकिन मीठे वचन सुना करके वो जग को अपना बना लेती है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम अपने मीठे गीतों से, अपने मीठे कूक से तुम पूरे संसार के लोगों की प्रशंसा की पात्र बन जाती हो। और रोना भी है मुझे गुना, और यदि मैं रोता हूँ यानी कि अपने दुखों को किसी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने कष्ट को किसी के सामने रखना चाहता हूँ, अपने विचार को रखना चाहता हूँ, विद्रोह करना चाहता हूँ अंग्रेजों के प्रति, तो उसे लोग अपराध घोषित कर देते हैं। उसे कहते हैं लोग ये अपराध है, गुनाह है, अंग्रेजों की नज़र में देश को आज़ाद कराने के लिए जो मैं विद्रोह करता हूँ, मेरे मन में जो विद्रोह की भावना है, उसे लोग अंग्रेज शासक क्या मानते हैं, अपराध मानते हैं। और अपराध मान करके वो उन सभी लोगों को जो विद्रोह करते हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको जेल में डाल देते हैं। इसलिए कवि जो है कोयल से कहता है कि तुम्हारे और हमारे जीवन में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम स्वतंत्र हो, मैं गुलाम हूँ, तुम आज़ाद हो और मैं प्रतंत्रता का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं रो भी नहीं सकता है, अपने दुखों और कष्टों को, अपने मन में आए हुए भावों को भी किसी के सामने नहीं रख सकता हूँ, उसे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अंग्रेज़ों की नज़र में वो क्या है, अपराध है। और देख विषमता तेरी मेरी और बजा रही तिस पर रणभेरी, सब कुछ देख रही हो, ये जो विषमता, ये जो कठिनता है तुम्हारे और हमारे बीच में, ये जो अंतर है तुम्हारे और हमारे बीच में, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी उस पर तुम क्या बजा रही हो, रणभेरी बजा रही हो, यानी कि मुझे युद्ध के लिए ललकार रही हो। रणभेरी क्या होता है, युद्ध में बजने वाला बिगुल, यानी इसको बजा करके फिर युद्ध की ललकार की जाती है, युद्ध जो है प्रारंभ होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो, मुझे युद्ध के लिए ललकार रही हो, जबकि तुम्हारे और हमारे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एकदम अलग जीवन है, फिर भी तुम मुझे उस पर हमारी हालत को देख रही हो, हमारी स्थिति को समझ रही हो, फिर भी तुम मुझे युद्ध के लिए अपनी इस कूक से आधी रात को ये जो चिल्ला रही हो, चीख रही हो, इसके माध्यम से तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रही हो। अब ये लास्ट पैरा है, फिर कवि कहता है कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। यहाँ पर कवि जो है वो कोयल की कूक को जब सुनता है, उसकी आवाज़ को आधी रात में सुनता है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोयल जो है वो हमें प्रेरणा दे रही है, अपनी उस आवाज़ के माध्यम से हमें कोई रचना करने को कह रही है, कोई रचना लिखने को कह रही है, और उस रचना के माध्यम से वह देशवासियों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जागरूक करना चाह रही है। तो कवि उस बात को समझते हुए कह रहा है कि इस हुंकृति पर, यानी हुंकृति मतलब क्या होता है, हुंकार, तुम्हारी इस आवाज़ पर, तुम्हारी इस कूक पर, तुम्हारी इस चीख पर बताओ हे कोयल अपनी कृति से, कृति मतलब क्या होता है, रचना, कृति मीन्स होता है रचना, हे कोयल बताओ तुम्हारी इस आवाज़ पर, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी रचना से और कहो क्या कर दूँ। और क्या चाहती हो कि मैं अपनी रचना के माध्यम से और क्या कर दूँ, यानी जो तुम चाहती हो ठीक है मैं वो करूँगा, वो सब कुछ करूँगा, बताओ कोयल मैं अपनी रचना से मैं और क्या क्या कर दूँ। यानी जो कवि होता है वो रचना लिखता है और अपनी उस रचना के माध्यम से वह लोगों में उत्साह का संचार करता है, जिससे लोग जागरूक होते हैं और उस आंदोलन में भाग लेते हैं और विद्रोह करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा से वो सफल होते हैं, यानी जिस चीज़ की प्रतिज्ञा ले रखी है उसमें वो सफल होते हैं।
तो कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। कवि जो है वो कहता है कि हे कोयल बताओ मोहन के व्रत पर, मोहन यानी कि मोहन दास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से सब लोग जानते हैं, उनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो कवि कहता है कि हे कोयल बताओ मैं अपनी रचना से और क्या क्या कर दूँ। हे कोयल बताओ मैं मोहनदास करमचंद के करमचंद गांधी के व्रत पर, व्रत यानी कि प्रतिज्ञा, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ले रखी है देश को आज़ाद कराने के लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यानी कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये जो प्रतिज्ञा ली गई है, जो दृढ़ संकल्प रखा गया है हृदय में, जो दृढ़ संकल्प बना लिया गया है मोहन के द्वारा, उसी प्रतिज्ञा के लिए मैं किसके प्राणों का आंसू किसमें, प्राणों का आंसू किसमें भर दूँ, यानी कि प्राणों का आंसू, आंसू मतलब क्या होता है अमृत, आंसू मतलब अमृत। तो मोहन की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं प्राणों का आंसू यानी मैं अपनी लेखनी से, अपनी रचना से किस में प्राणों का संचार कर दूं, यानी कि उनके अंदर उत्साह आ जाए, जोश आ जाए और वो उसके लिए खड़े हो जाएं, उस मैदान में उतर जाएं जहां पर सब लोग उतरे हुए हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। और तो वही वो कहते हैं कि प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, मैं प्राणों का अमृत किसमें भर दूं, यानी अमृत का मतलब देखिए प्राणों का आंसू भरने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यानी कि अपनी रचना से बताओ मैं किसको जागरूक करूं और उनके अंदर उत्साह का संचार कर दूं, उनके अंदर एक नया जोश पैदा कर दूं, जो अब तक पड़े हुए हैं, जो निराश हैं कि नहीं अब देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, तो उनके अंदर मैं एक आशा का संचार कर दूं अपनी लेखनी से और उनके अंदर एक नया जोश पैदा कर दूं ताकि उनके अंदर क्रांति की भावना पैदा हो, विद्रोह की भावना पैदा हो और इस वो आंदोलन में खड़े हों, भाग लें और इस आंदोलन में भाग ले करके इस उम्मीद के साथ में वो उस आंदोलन में उतरे कि यद इस जंग में लड़ते लड़ते यद मेरे प्राण भी निकल गए तो मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊंगा। तो आंसू का मतलब प्राणों का आंसू यहाँ पे यही है, अमर हो जाना। तो इस शक्ति के साथ में यानी कि अपने प्राण को अपनी हथेली पे रख करके अपनी जान को उस युद्ध में लगा करके, उस आंदोलन में लगा करके कि अगर मेरी जान चली जाएगी तो चली जाएगी लेकिन देश तो स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में वो मैदान में उतरे, मेरी रचना को पढ़ के उनके अंदर जोश जगे और इसके साथ मैदान में उतरें और विद्रोह करें और देश को स्वतंत्र बनाएं। हे कोयल बताओ तू, देखिए देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, बहुत से लोगों ने सहयोग किया जिनमें से हम कुछ लोगों का नाम जानते हैं और कुछ जो हैं वो बेनाम हैं। कुछ लोगों का नाम पता है लेकिन कुछ लोग बेनाम हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी उस मैदान में उतरे थे जिनके नामों को हम नहीं जानते, वो लड़ते लड़ते ऐसे मिट्टी में दफन हो गए, उनके नामों को हम नहीं जानते। तो अगर उन सब के द्वारा ये जो आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, ना जाने कितने लोगों ने कितना संघर्ष झेला है, कितने कष्ट झेले, कितनी यातनाएं उनको दी जाती थी, उन सब को सहते हुए और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया और आज वो अमर हो गए हमारे बीच में। वो नामी या जो बेनाम लोग हैं जिनका को जिनके नामों को हम नहीं जानते हैं वो सब भी आज अमर हो गए हैं और उन सब के प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भावना होनी चाहिए और इससे स्वतंत्रता के महत्व को हमें समझना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कवि जो है वो सबको समझाना चाहते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बहुत लंबा था, ज़्यादा लंबा था और ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग, इस एक्सप्लेन जिसमें किया गया है इसको आप लोग अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दो तीन बार पढ़िएगा, समझिएगा। ओके बच्चों।
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।